लोगों ने बताया कि हाथीपुर का नाम कैसे पड़ा है। ये है हाथीपुर गांव, लेकिन यहाँ कोई एक भी हाथी नहीं है, यहाँ भैंसे हैं। यहाँ पर जो है भैंस है, उनको भैंसें दिखाई दे रही हैं यहाँ, लेकिन बहुत धूल उड़ रही है। दोस्तों देखो, खड़े हुए हाथीपुर गांव में, ये बगल में जो गेहूँ है और ये बाली जो है यहाँ से लिए हैं। ये कुछ हरी बाली मिल गई हैं, इनको अब भून के खाएंगे और पुराना वाला स्वाद चखेंगे। जैसे भुनी जाती हैं आग पर लगा देंगे, उसके बाद इनको इनके दाने निकाल करके खाएंगे। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत पौष्टिक भी होता है ना। तो ये हम खड़े हुए हैं ये लाही वाले खेत में, ये सरसों वाले खेत में। ये सरसों आप देख रहे हैं, ये कद्दू का सरसों है, तो इसमें खड़े हुए हैं। और बगल में आप देख रहे हैं ये लेटे हुए पड़े हुए हैं जो गेहूँ, ये पीले पीले से कलर में देख रहे हैं आप, ये गेहूँ के खेत है पूरा। और आप इधर देख रहे हैं तो इधर जो है चरी लगी हुई है, चरी बोलते हैं जिसको, जानवरों बाजरा, जिसको जानवर लोग खाते हैं गर्मियों में, जो अभी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, 8-10 दिन में ये बहुत जल्दी से बड़ी हो जाएगी। तो ये हाथीपुर गांव का जो है नक्शा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। चारों तरफ खेती खेत है और ये पीपल आप देख रहे हैं कितना जो आवाज़ कर रहा है, कितना शोर कर रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ चल रही है यहाँ पर। बहुत ही आनंद आया। और वो बच्चों के एग्ज़ाम में अभी तो टाइम बचा हुआ है छूटने में, और लगभग 4:45 बज रहा है, 6 बजे एग्ज़ाम ये छूटेगा दोस्तों। तब फिर आपको दिखाएंगे भीड़ गैदरिंग क्या है। तब तक ये गांव का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है 2-4 घर बने हुए हैं इसी को, जो हाथीपुर गांव है उधर पीछे साइड में है। और चलो पूछते हैं लोगों से हाथीपुर गांव के बारे में, यहाँ के कुछ लोग रह रहे हैं उनसे पूछते हैं। देख रहे हैं यहाँ ये भैंस ज़्यादा है, यहाँ पर एक गाँव है पूरा। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही आनंद आएगा, तो वीडियो बने रहें, लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज ये है चारा काटने की मशीन, ये काम भी हो रहा है, काम के साथ साथ में एक्सरसाइज भी हो रही है। ये है हाथीपुर गांव, ये हाथीपुर गांव लगता है। तो ये हाथीपुर गांव कैसे पड़ा ये है? क्या हाथी थे क्या पहले ज्यादा है? पहले थे क्या? अच्छा, आपने देखे पहले के? नहीं देख पाए, और पहले कभी रहे होंगे? सुना तो होगा, कुछ कहानी तो होगी इसकी। अरे वही अंग्रेज रहते थे, अंग्रेज बनाए थे, अपना नीली का काम करते थे। अच्छा, यहाँ पर अंग्रेजों का हिसाब किताब है? कहाँ पर है वो? अच्छा, मिलिट्री वालों का फार्म है। हाँ, दूर है क्या? दूर है यहाँ से? अच्छा, ओ तो पहले अंग्रेज वगैरह रहे। अच्छा, टूट गए सब, तो इसी वजह से हाथीपुर गांव पड़ा है। अच्छा, पहले अंग्रेज रहे होंगे तो हाथी हाथी रखते होंगे वो लोग, तो इस वजह से जो पता लगा। हाथीपुर क्यों कहते हैं इसको? हाथीपुर क्यों कहते हैं? हाथी थे क्या पहले? हाँ, हाथी रहे हैं तब तो हाथीपुर है। हाँ, कौन युग में रहे होंगे हाथी? आपने देखे थे? हाँ, तो हमने आगे कहाँ रहे? नहीं, आपके आगे नहीं थे, पहले थे क्या? पहले थे, पहले थे, पहले रहे थे हाथी? कहाँ थे? ये रहे हैं भाई, तब तो नाम चला आवत है। अच्छा, अच्छा देखा नहीं है? अब हमारे देखा नहीं है, हमारे आगे नहीं रहे, मगर वैसे हाथी देखा है, मगर हाथीपुर में नहीं देखा। अच्छा, जमाने में रहे होंगे तो भाई नाम चला आवत है। अच्छा, तो दोस्तों पहले कभी जमाने में रहे होंगे, इन्होंने भी हाथी नहीं देखा है। 85 साल की लगभग उम्र है माता जी की, लेकिन इन्होंने भी नहीं देखा, बता रहे हैं, सुना है इन्होंने बहुत पहले, जो अंग्रेज अग्रे रहे होंगे। बाबा 100 साल के ऊपर से मरे, वो नहीं बता पाए तो। हाँ, अच्छा, कहाँ बता पाए? अच्छा, वो तो बहुत और पहले की कहानी है सर, ये बहुत पुरानी कहानी है। अभी किसी किसी हाँ किसी को पता नहीं है अभी, है बस जो है चलता चला जा रहा है। अपने काम का पता नहीं बता सकता, भी नहीं बता सकता कौन था हमारे गांव में, चलते पाए चली। नहीं होता है ना, किसी किसी के नाम पे जो पड़ जाता है गांव का नाम, गांव का नाम रहता है, ये होता है। अब यहाँ हाथी रहे होंगे, यहाँ हाथी ऐसे लोग रहे होंगे, क्या बताया जाए? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाथी देखा हो? हाँ, देखा हो तो पता हो। पता हो? हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, हाथी ऐसे लोग भी हो सकते हैं, लंबे थोड़े लोग। हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। पता नहीं हाथी रहते थे, इंसान रहते थे, इंसान रहते थे,
बस चलता चला जा रहा है। हाथीपुर जो एक हाथे गांव है, अरे हाँ एक हाथी गांव भी है। हाँ है एक और है, हाथीपुर लागत है, हाथे गांव लागत है। हाँ अच्छा, अरे वाह भाई वाह, हाथी गांव भी है तो हो सकता है वहाँ भी हाथी रहे होंगे, इसलिए जो है ये हाथीपुर है वो हाथे गांव है। हाँ तो पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, बस सुना हुआ है, सुनी सुनी बातें चली आ रही है, सुनी सुनी चली आ रही है। तो दोस्तों गाँव है तो गाँव का नाम पक्षी ढाई है। हाँ अब ये थोड़ो को जाने थे कि ये कब से नाम चला हुए तो नहीं जान सकता। तो दोस्तों देखो पता लगा, देखा किसी ने नहीं है, बस चलता चला जा रहा है, अब देखा नहीं है, पता नहीं, नॉलेज नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है भाई, गांव से पहले से चलता चला जा रहा है, तो इसलिए हम लोग भी चलते चले जा रहे हैं, है ना। चलो ठीक है फिर। हाँ अब देखो चारा कट चुका है, कितना देर लगा, ज़्यादा 10 मिनट लगा चारा कटने में, इसको चारा कटने में 10 मिनट लगा, कट गया। किसान आदमी तो किसानी का काम करवे का ड्यूटी है। हाँ बिल्कुल, सब काम करना बिल्कुल बिल्कुल, काम ही यही है यहाँ। हाँ खेत है तो काम करना ही पड़ेगा। हमारे पास खेत है तो हम रेत वहाँ। अच्छा सब हमारे खेत है, बढ़िया लड़का है सब। अच्छा सब नाती लड़का ही हमारे, बढ़िया है, चलो अच्छा है। नाम पड़ेगा। अच्छा कैसे कैसे कैसे, मैंने गंदी चीजें रही के कौआ हरिया डाल देना है बनत में। अच्छा बनत रहा जब घाट घाट बनना रहता है, धोरी घाट बनी धोरी घाट, तब ते के धोरी घाट बने प्रसिद्ध हो गया। अच्छा यो हो बा, तो ये दोस्तों ये वाला जो रास्ता जो जा रहा है हाईवे से साइड में जो जा रहा है, ये देख रहा है, ये इधर पड़ता है धौरीघाट, 6 किलोमीटर यहाँ से गंगा है, वहीं धौरीघाट है, माताजी ने बताया इधर धौरीघाट है, पर पास में ही है धौरीघाट। खूब अच्छा बना है, मुझे खूब बहुत विशाल मन अच्छा बन गया है, देखने लायक है। सब सब कुछ बना तो भीड़ भाड़ तो होगी, वहाँ भीड़ भाड़ तो रहती होगी, आते हम लोग देखने ना। बगीचा और भाई साहब इनका नाम है सुशील सक्सेना, आए हैं भाई साहब ये फतेहगढ़ से ना, फतेहगढ़, ये फतेहगढ़ कहाँ पड़ता है, ये कानपुर के आगे 140 किलोमीटर दूर। अच्छा हमारे ये संत कुमार जी लिए हैं गेहूं की बाली, और इस वाले खेत से लेकर के आए, ये देख रहे हैं ये गेहूं खड़े हुए हैं, और ये बाली यहाँ से कुछ हरी मिली हुई है, इनको भून करके आज खाया जाएगा। ये हाथीपुर गांव में आए हैं और बच्ची का एग्जाम दिलाने, तो बस ये गेहूं की बाली है, देख रहे हैं आप, ये गेहूं ऐसे पैदा होता है, ऐसी होती है बाली इसकी गेहूं की, ये देखो ये निकले हुए, तो देख रहे हैं आप गेहूं, ये यहीं से ये पिसने जाता है, फिर बनता है आटा, फिर बनती है आशीर्वाद आटा तब आता है। हम लोग बच्चों को, बहुत लोगों को पता नहीं है कैसा होता है गेहूं, तो बहुत बढ़िया जो है यहाँ लगा आकर के, थोड़ा गांव का जो है लुक दिखाई दे रहा है। ये एक लाही खड़ी हुई है, ये सरसों, सरसों जिसको बोलते हैं, ये कड़ुआ तेल निकलता है, ये है सरसों, ये देख रहे हैं ये ओ पीली वाली है ये गुरु, ये पीली वाली सरसों है ये, लेकिन ज़्यादा दम नहीं है इसमें, खत्म हो गया है। अब फिर एक गिलास दूध पी रहे हैं हम लोग, और गन्ने का जूस के साथ में, ले लो बेटा आज पूरा जूस पिए हम, ये गन्ने का जूस है, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ गया ना। दोस्तों जो जूस पिया है गन्ने का, बहुत आनंद आया, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक थी, बहुत अच्छा सुंदर बनाया, ये 10 रुपये का जूस है, मैं कम से कम 5 गिलास पी चुका हूँ, गिलास ये जूस के जो गिलास है 5 गिलास पी चुका हूँ मैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, पेपर ख़त्म हो चुका है में। तो दोस्तों कुछ लोगों से मिले, उन्होंने बताया हाथीपुर के बारे में, जितनी जिसको जानकारी थी उन्होंने बताया कि हाथीपुर का नाम कैसे पड़ा है, जितनी जानकारी थी उन्होंने बताया। तो दोस्तों
फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक एंटरटेनमेंट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।